इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, मतलब मेरे फोन करते ही इसे पकड़ लिया। वो दूसरा फोन आपने किया था? दूसरा फोन नहीं, पहला फोन किसने किया था? वो मिस्टर, अरे प्रज्ञा, पुलिस इधर क्या कर रही है? आप कौन? ये सरिता जी, ये घर ही नहीं का। चोर घुसा आया था आपके घर में, पर टेंशन मत लेना, कुछ चोरी नहीं कर पाया, हम इसे थाने ले जा रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी, पकड़वा दिया मैंने। कितना झूठ बोलती है ये औरत, पकड़ा तो मुझे उस आदमी ने था। झूठ तू बोल रहा है, पकड़ा तुझे हमने, स्टेटमेंट में यही लिखना, प्रमोशन मिलेगा मुझे। चलो चलिए। अरे लेकिन वो, अरे मैंने आपसे कहा ना घबराइए मत, सब संभाल लिया है मैंने। माना कि सिर्फ किराएदार हूँ, लेकिन इस घर से मुझे बहुत प्यार है, किसी को चोरी नहीं करने देती मैं, बहुत मारा है उसे, आपके हिस्से का भी मार के आई। तू समझ नहीं रही है, तू तो ठीक है ना, तुझे तो कोई चोट वोट नहीं लगी? मुझे देखने दे मुझे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्यों करती है तू भी, अगर वो चोरा ही गया था तो तू बाहर निकल जाती। अरे उसके हाथ में चाकू वाकू होता, मार मार देता तेरे को तो। आप क्यों परेशान हो रही, कुछ नहीं हुआ ना मुझे, आप चलिए अंदर। अरे ऐसे कैसे, माफ किया कर ऐसा कुछ भी। All students please come। तो सभी आ गए? Oh, no, ma'am, मैं नहीं आई, मैं आ गई। Kahana, you're always late. Sorry, ma'am. So, now, this bowl has many chits. और हर चिट पे एक फिल्म का नाम लिखा होगा। Of course, हिंदी फिल्म। तो जो लोग इंग्लिश मूवी देखने वाले हैं वो प्लीज इस गेम से बाहर जा सकते हैं। आप सभी इस गेम के रूल को जानते ही होंगे, आप सभी ने कभी ना कभी दमशराब तो खेला ही होगा। तो जिन लोगों ने इस गेम को नहीं खेला है, मैं उनके लिए बता दूं, मैं हर टीम में से एक प्लेयर बुलाऊंगी और फिर इस बोल में से एक चिट निकालूंगी। उस चिट में मूवी का नाम लिखा हुआ होगा और उस मूवी का नाम मैं प्लेयर के कान में बताऊंगी। उन्हें करना क्या है कि उस मूवी का नाम अपनी टीम को एक्ट करके बिना कुछ कहे बताना है। ये मैं करूंगा। जरूरी होता है? क्यों आर्यन, तुम नहीं खेलोगे? मैं खेलूंगा ना मैम, लेकिन मैं सेंटर से खेलूंगा। आप प्लीज बैठ के गेम एंजॉय कीजिए, प्लीज कम। ओके गाइस, तो अब मैं बताऊंगा किस टीम को कितने पॉइंट्स मिलेंगे और जो टीम सबसे ज्यादा नाम गैस कर पाएगी वो टीम जीत जाएगी। सो टू माई राइट आई हैव टीम ए, एंड टू माई लेफ्ट आई हैव टीम बी। ओके, तो मैं कोई भी टीम में नहीं, बिकॉज आई एम द रेफरी कम एंकर ऑफ दिस गेम। और अब जब सब आ गए हैं, सो लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। So let's start team A से कोई। So let's start our first jump. You suck. Nahi. Go go go. Priti, she can do. Woo! Come on, lose Priti, lose. Shut up. What? ये कौन सा मूवी का नाम है? है मूवी और एक और बात, एक और बात, एक और बात। अगर टीम ए नाम गैस नहीं कर पाई तो टीम बी को मौका दिया जाएगा। एंड अगर टीम बी ने सही जवाब दिया तो फिर जो पॉइंट्स टीम ए को मिलने वाले थे वो टीम बी को मिल जाएंगे। So come on, let's get it going. तो अब मौका टीम बी को दिया जाएगा और टीम बी, ये बहुत अच्छा मौका है लीड लेने का। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस ये बहुत मुश्किल है, कोई भी नाम गैस नहीं कर पाएगा। एक मिनट सुनो, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। शी इज राइट, प्राची ने सही आंसर दे दिया, वो भी इतने ईज के साथ। दैट्स अमेजिंग। टीम बी को मिलते हैं 2 पॉइंट और टीम ए को मिलते हैं 0। Loser!
प्राची ने इतने इजीली ये नाम गेस किया है. इनफैक्ट ये इतना डिफिकल्ट था कि प्राची को ये पॉइंट्स मिलने चाहिए, टीम को नहीं. दैट वाज रियली गुड प्राची. खुश हो, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. कौन सी मूवीज आती है ऐसे, मेरे को तो पता भी नहीं है. इसी को आती होगी मूवी. तो अब टीम बी से कौन आने वाला है? मुझे बंदर बंदर बोल दिया, खुद तो बकरी की तरह मैं 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 मैं. क्या क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं. ये आर्यन, नो सर, नो. ए, व्हाट इज दिस? क्या है ये? क्या है क्या ये? अब मतलब सॉरी, मैंने कभी नाम नहीं सुना था ना, तो मुझे पता नहीं था. तो मैं क्या करूं? हो गया ना. कम ऑन, लेट्स गो. सॉरी सॉरी सॉरी. अब मैं करके दिखाता हूं, मैं ट्राई करती हूं गेस करना. कम ऑन शाना, कम ऑन. चार शब्द, चार वर्ड्स की. हां, भगवान मुझे उठा ले. नो. अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान. तो अब टीम बी को मिलते हैं और दो पॉइंट. मेरी बहन है. ये क्या क्या बकवास मूवीज है यार. अरे किसी ने सुना ही नहीं इनके बारे में. तुम लोगों ने सुना है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना है. ये पिक्चरें शायद होशियारपुर में फेमस होंगी. होशियारपुर? चाची, नो रणबीर, ये सारी हिंदी मूवीज के ही नाम है. ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई है. मैंने खुद ने चिट लिखी है. मैम आपने ना गलती से अपने जमाने की चिट लिख दी होगी. बट एक काम करते हैं गाइस, हम आजकल की सुपर हिट मूवीज पे तमशास खेलते हैं. क्या कहते हो? जो तुम लोग को भी आता हो और हम लोग को भी आता हो. एग्जैक्टली. एग्जाम थोड़ी है, इतना हार्ड बना दिया इन लोगों ने. व्हाट डू यू थिंक रिया? Of course, ये मूवीज पता भी किसको है यार. Perfect. तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें सब पता होता है. हाँ. अरे उसमें क्या है, इतने आसान नाम तो है. अब मैंने भी सारी फिल्में थोड़ी ना देखी है, पर कॉमन सेंस से तो गेस कर सकते हैं ना. सुना, मैं आने वाला हूँ, ठीक है? और मैं जैसे ही आऊंगा, जो मूवीज में एक्ट करूंगा उसमें से इनडायरेक्टली मैं रिया को प्रपोज कर दूंगा. और अपने मन से कुछ नाट करके एक्टिंग कर दूंगा. रिया गेस कर लेगी और जैसे रिया गेस कर लेगी तुझे बोला वाओ यस राइट. ठीक है, तो मतलब तू मुझसे चीटिंग करवाएगा? भाई के लिए तू इतना नहीं कर सकता. हाँ, और वैसे भी चीटिंग नहीं है, तुझे बस लोगों को इतना बोलना है कि जो टीम तीन मूवीज एक साथ गेस कर लेगी वो जीत जाएगी. ठीक है, और रिया आई एम श्योर गेस कर लेगी, तीनों मूवीज उसकी फेवरेट है. ठीक है ठीक है, सब समझ गया. लेकिन ये तीन मूवीज रिया की फेवरेट तुझे कैसे पता? अरे यार, मैंने कॉलेज मैगजीन में पढ़ा है, पूरी रिसर्च करके आया तेरा भाई यार. अच्छा, तीन मूवीज का नाम क्या है? देख, पहली मूवी है चप्पी मैट, सोचाना था और कुछ कुछ होता है. ये तीनों मूवीज हमारी लव लाइफ जैसी तो है. चप्पी मैट, मैंने सोचाना था कि मुझे कुछ हो जाएगा. रणबीर और आर्यन, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं मैम, रणबीर मुझे बोल रहा था कि अब मैं एक साथ तीन चिट निकालूंगा और जो भी टीम ये तीन मूवीज के नाम एक साथ गैस कर लेगी वो टीम जीत जाएगी. थ्री मूवीज. फर्स्ट मूवी नहीं रिया, इट्स योर फेवरेट मूवी. ओके ओके ओके, आई गेस ओके. जब 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 भी मैं सोचा ना था कुछ कुछ होता है. और एक बार फिर प्राची ने सही जवाब दिया है. She got all the answers right. प्राची ने अपने दम पर टीम को जिताया है. प्राची, you have done an amazing job. तुमने सब answers right दिए. Give her a big round of applause. I hope you all had good fun. Yes.
जय। सब काफी थक भी गए होंगे। नाउ यू ऑल गो एंड स्लीप, क्योंकि कल सुबह हम सभी क्लिफ क्लाइंबिंग के लिए जाएंगे। ओके, गुड नाइट ऑल। नाइट मैम। वाओ, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट, बाय बाय। हे गाइस, नेक्स्ट लिसन टू मी। हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हम लोग नेचर ट्रिप में आए, किसी होटल रूम में चिल करने थोड़ी आए। ये भी बात सही। अभी पूरी रात बाकी है और कुछ बात बाकी है। ओह नो, रणबीर सबके सामने रिया को प्रपोज करने वाला है। ओह माय गॉड, अच्छा किया मारा आपने। ओके ओके बाय। अनुराधा जी का फोन था, कह रही थी उन्होंने कैसे चोर को मारा। मारा? चोक मारा? वो बात थी भी नहीं, घर पर कोई नहीं था। अरे मैंने चोर को मारा, तुमने पुलिस को फोन करके बुलाया। जो किया हमने किया, उसने कुछ नहीं किया। पर वो सब होने के बाद भी मैंने पुलिस को बोलकर दरवाजा बंद करवाया, उसके बाद किया मैं वैसे। आपकी आवाज इसीलिए बैठे हुई। अनुराधा जी तो कह रही थी कि उन्होंने मारा। अरे हीरो बंदी का क्रेडिट ले रही, उसे अच्छा लग रहा होगा तुम्हें इंप्रेस करके। तुम एक काम करो, तुम उसे बताना मत कि मैंने चोर को पकड़वाया, उसे सच में बताना। खुश होने दो उसे, बच्चों वाली हरकतें करी। मिस्टर मेहरा ने ऐसे झूठ क्यों बोला? मतलब बच्चों वाली हरकतें नहीं, कहा यहाँ आ रहे हैं जबकि यहाँ आई नहीं। वो मैं मीरा से फोन पे बात कर रही थी ना, तब वो चोर है ना, उसने घर पे नजर रखा था। तूने मीरा को बता दिया कि मिस्टर मेहरा इधर नहीं आए थे? मैं कैसे बताती, अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन गलत है ना, कहा यहाँ आए हैं जबकि कहीं और चले गए। पता नहीं मीरा को पता कैसे चला कि यहाँ चोर आया। मैंने बता दिया होगा बातों बातों में, कि मैं सरिता जी ये बता रही हूँ, ये मिस्टर मेहरा है ना, थोड़े झूठे किस्म के इंसान। वैसे तुम्हारी प्राची की माँ है ना, थोड़ी झूठी है। आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि मिस्टर मेहरा को लेकर ना तेरे दिल में कोई गलत फहमी है। ऐसे इंसान लगते तो नहीं है, वो अच्छे आदमी लगते हैं। आपको पता नहीं है, मैं सब समझ गई। घर चलिए, बहुत देर हो रही है, आप भी सो जाइए। तुम भी सोने जा रही हो रिया? तुम भी सोने जा रही हो? ये कैसा प्रपोज करना हुआ? I think yes, I'm going to sleep. तुम झूठ बोल रही हो। Good night. मैंने सुना है मुंबई दिल्ली की ये छोरियां रात भर नहीं सोन दिया। Yeah.
ये प्राची सबकी फेवरेट होती जा रही है और मैं तो अब जैसे किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मेरा कॉलेज है, दिस कॉलेज, दीज स्टूडेंट्स, दीज प्रोफेसर एंड रणबीर, दे आर जस्ट माइन। ये सब मेरे हैं और किसी और के नहीं हो सकते, एंड स्पेशली इस प्राची के तो बिल्कुल नहीं। इस प्राची की बच्ची को भी अभी गिरना था, इतना अच्छा एम्बियंस बनाया था मैंने, पर रिया भी चली गई यार। एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई मेरे हाथों। अब कल सुबह कुछ करूंगा। गुड मॉर्निंग किड्स, होप यू ऑल एंजॉयड लास्ट नाइट। यस सर। बट अब जो एक्साइटिंग चीज आने वाली है, वेल उसके लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, एंजॉयमेंट तो अब शुरू होगा। विद इन 30 मिनट आप सभी लोग रेडी होकर आ जाइए, क्योंकि हम लोग हिल हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। रिया, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कब से? कब से देख रही हूँ तुम ऐसे ही बैठी हो। Did you hear? प्रिंसिपल ने क्या बोला? हाँ, उन्होंने हमें आधे घंटे में रेडी होने को कहा। हम हिल हाइकिंग पर जा रहे हैं। पर कल उन्होंने ये भी कहा था कि हम उस एरिया में नहीं जा सकते। हाँ तो हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, अब स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और लोकल गाइड्स भी हैं। पर तुम क्या सोच रही हो? I have a plan, but वो प्लान मैं अकेले नहीं कर सकती। I need your help. तुम दोनों मेरा साथ दोगी? Of course, tell us. मैं चाहती हूँ तुम मेरे फोटोज क्लिक करो। I want you to do a photo shoot for me. Photos? मतलब तुम यहाँ पे फोटो शूट करने का प्लान कर रही हो? Oh no, candid shots. कि रिया मेहरा इन ब्यूटीफुल सी पहाड़ियों की वादियों में और भी ब्यूटीफुल लग रही है। नहीं, जब प्राची मुझे उस हिल से धक्का देगी तो मैं चाहती हूँ तुम वो सब कैप्चर करो। Yes. Let's do one thing. तुम जाके प्राची को उस हिल के पास बुला के लाओ। Really? Yeah, really. भाई मुझे लगा कि तू कल रात को सबके सामने रिया को प्रपोज। रात को सबके सामने रिया को प्रपोज करने की सोचा। फिर मैंने सोचा यार रोमांस अकेले में होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं उसको आराम से अकेले में प्रपोज करूँ। सही बात है। अगर अकेले में नहीं होगा तो अगर उसने तुझे रिजेक्ट भी कर दिया तो सबके सामने तू मजाक तो नहीं बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ना वो मुझे रिजेक्ट करेगी ना इस डर से मैं उसको अकेले प्रपोज करूँ। उसको अकेले इसलिए प्रपोज करूँ बिकॉज़ आई वांट इट टू बी वेरी स्पेशल। कमाल है, लोग आजकल रिजेक्शन को भी स्पेशल बना देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तुमको मार खाने का बहुत शौक है क्या? वैसे तू उसको प्रपोज कैसे करने वाला है? देख, मैंने सोचा है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ पे जाके उसको प्रपोज करूंगा, क्योंकि वहां से तो देख सबको अच्छा ही लगता है, उसको मैं भी अच्छा लगूंगा, उसे प्रपोजल भी अच्छा लगेगा, मना नहीं करेगी, कभी नहीं मना करेगी। फैंटास्टिक आईडिया भाई। एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलूं, चुपकी से फोटोज खींच लूंगा। अबे कुछ नहीं तो तुम लोग की मैजिक मोमेंट की मैजिक मेमोरीज बन जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, ठीक है, क्या बोलूं मैं, चले। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक्स ब्रो, लेट्स गो। चल। हाँ माँ, नाश्ता कर लिया। चुप कर, बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ, नाश्ता कर लिया और अभी हम सब घूमने जाएंगे हिल साइड, पता है? अकेले थोड़ी ना जाएंगे माँ, वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे और लोकल गाइड भी है। हाँ, यहीं पे बैठिए, कब से सर खा रही है, लो बात करो। ले मासी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कब से इससे बात कर रहे हो? आपने एक बार भी पूछा कि शाना कहती है? तेरे बारे में पूछने के लिए तुझसे बात करनी पड़ेगी ना। जेलस, जेलस, जेलस। मासी देखो ना, ये मुझे छेड़ रही है कब से, देखो मार भी रही है। मासी, अरे तुम लोग लड़ना बंद करो। ऐसे झगड़ा करोगे ना वापस बुला लूंगी। मासी कह रही है कि अगर झगड़ा किया तो वापस बुला लेंगे। उन्हें कहना कि आ जाओ और हमें ले जाओ। सुना मासी क्या कह रही है? हाँ सुन रही हूँ मैं। आती हाँ। मुझे लगता है तुम लोगों को वहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हाँ मासी, बस आप ऐसे ही फोन करते रहना, क्योंकि हम लोग तो मौज मस्ती में फोन करना भूल ही जाएंगे। अच्छा मासी ये बताओ, वो सरिता आंटी कैसी है? मैं नहीं हूँ ना तो खूब मजे कर रही होंगी वो, मुझे पता है। हाँ बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सुन, प्राची और रिया के बीच में सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर मासी मुझे लगता नहीं कि कुछ ठीक होगा। वो ना लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, बहुत अजीब तरह से देखती है प्राची को। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम लोग गलती कर रहे हो उसे समझने में। किसी को माफ करके आगे बढ़ जाने में ना बड़पन होता है। तो तुम लोग भूल जाओ ना वो क्या कहती क्या बोलती है थोड़ी देर के लिए। तू कुछ करती क्यों नहीं उन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँ। लेकिन मासी ना आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अब प्राची, सरस्वती मैम तुम्हें हिल साइड पे बुला रही हैं।
हिल साइड पे? हाँ यहाँ पास में ही है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ। क्यों बुला रही है? वो मुझे नहीं पता। ओके जाना, सुन एक मिनट में आती हूँ। हाँ